हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो खास वीडियो है मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ, डेस्कटॉप या पीसी है वो परचेज तो करके लेके आ जाते हैं लेकिन घर पे उनको है वो उसे असेंबल करना नहीं आता, या घर में जो अपने बच्चे होते हैं वो पीसी है वो बाजार से परचेज तो करके लेके आ जाते हैं लेकिन उनको घर पे है वो पीसी है वो कनेक्ट करना नहीं आता कि इसको जोड़े कैसे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप घर पे अपने पीसी को है वो कैसे असेंबल करोगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कभी कभी हम लोग कंप्यूटर्स की दुकान से कंप्यूटर तो परचेज करके घर पे लेके आ जाते हैं लेकिन उसको घर पे कनेक्ट कैसे करें ये सब नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी LCD, इसकी जगह आप मॉनिटर भी यूज कर सकते हो। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका CPU। मैं आपको विदाउट UPS के लगाना बताऊंगा, यदि आप UPS से लगाओगे तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आप UPS से वो कैसे कनेक्ट करोगे। तो चलिए अब हम लोग है वो कनेक्ट करना है वो शुरू करते हैं। तो मैं आपको वीडियो के अंदर सबसे पहले दिखा रहा हूँ, ये आपको ये केबल दिखाई दे रही होगी, तो ये केबल है LCD की। LCD के अंदर यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये देखिए मैं इस केबल को है वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक काम हमारा है वो पूरा हो गया, यानी यहाँ पे हम लोगों ने इसको है वो कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है VGA केबल। ये VGA केबल हमें एक साइड से LCD के अंदर यहाँ पे कनेक्ट करनी है, और आप कोई अदर LCD यूज़ करोगे तो उसमें अलग अलग हिसाब से आता है, लेकिन इस LCD के अंदर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक VGA केबल दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर हमें इस केबल को है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, और ये जो स्क्रू है उसको एकदम अच्छे तरीके से वो टाइट कस देता हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से लगा दीजिएगा। तो मैंने लगा दी, ये अपना LCD का काम है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं CPU की, तो चलिए अब CPU की तरफ चलते हैं। CPU में आपको पावर केबल है वो यहाँ पे जो पावर सप्लाई है उसके ऊपर यहाँ पे इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मैं आपको जूम करके वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ ये जो पावर सप्लाई है, तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस केबल को है वो यहाँ पे इसको है वो कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको है वो कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए अपने दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बारी आती है, बात करते हैं माउस की। तो मेरे पास है वो आप देख रहे होंगे कि USB माउस है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर भी। तो USB माउस है वो आप कोई से भी USB पोर्ट के अंदर, पीछे आपको बहुत सारे USB पोर्ट है वो नज़र आ रहे हैं, देखिए वीडियो के अंदर बहुत सारे USB पोर्ट है वो नज़र आ रहे हैं, तो उनमें से आप कोई से भी एक पोर्ट के अंदर है इसको आप लगा सकते हो। यदि आपके पास ये वाला पोर्ट नहीं है, ऐसे वाले पोर्ट हैं, देखिए वीडियो के अंदर मैं इस केबल को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये देखिए। तो ये वाला जो पोर्ट है वो तो है माउस कनेक्ट करने के लिए, यदि आपके पास माउस है तो यहाँ कनेक्ट कीजिए, कीबोर्ड है वो यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, और USB वाले हैं तो आप USB वाले सारे के सारे USB के अंदर है वो कहीं भी लगा सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कीबोर्ड की, तो मेरे पास कीबोर्ड भी है वो आप देख रहे होंगे, कीबोर्ड भी है वो USB कीबोर्ड है। तो मैं इसको USB कीबोर्ड को USB की तरह ही, सेम माउस की तरह ही, USB जो पोर्ट आपको CPU में दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई से भी एक पोर्ट पे वो लगा दूंगा। तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये लगभग आपको सारा का सारा सिस्टम दिखाई दे रहा होगा वो लगभग अपना है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक बचा है वो है VGA केबल को LCD वाली जहाँ से निकल रही है, देखिए वीडियो के अंदर ये यहाँ से केबल निकल रही है ना LCD के अंदर, ये केबल मैंने इसको हाथ में ले रखा है, ये अपने CPU के अंदर यहाँ पे कनेक्ट करना है। देखिए इस वायर को हटा देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मैं इस VGA केबल को यहाँ पे लगा के कनेक्ट कर देता हूँ, और अच्छे से जो स्क्रू है वो ऊपर वाली है उसको मैं अच्छे तरीके से वो टाइट कर देता हूँ ताकि जब ऑन हो तब हिले ना।
तो आपके घर में बच्चे हैं, उनको पीसी है वो असेंबल करना नहीं आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद वो असेंबल कर सकें। अब अपना जो काम है वो लगभग पूरा हो गया। अब हमें इन दो लीडों को है वो पावर देनी है, तो मैं आपको पावर बोर्ड पे दिखाता हूँ। मैं इनको पावर से कनेक्ट करूँगा और उसके बाद आपको सीपीयू वो ऑन करके दिखाऊँगा। तो देखिए, मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा एक, उस बोर्ड के अंदर मैं इसको देखिए यहाँ पे पुश कर रहा हूँ। देखिए, एक ये लगा दी मैंने पावर केबल और एक ये लगा दी, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब ये मैंने पावर केबल लगा ही दी है। यदि आपके पास UPS है तो ये जो पावर केबल मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है ना, वो आप अपने UPS के अंदर है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो अब ये पूरा का पूरा मैंने असेंबल कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब इसको पावर ऑन करने के लिए ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड में आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, इस बटन को है मुझे दबाना है। जैसे आप दबाओगे CPU के अंदर है वो पावर आ जाएगी। और एक ये छोटा बटन है, ये रीस्टार्ट के लिए होता है। यदि आपका CPU हैंग हो जाता है तब यहाँ से आप उसको है वो रीस्टार्ट कर सकते हो। अब आपको LCD के अंदर दिखा रहा हूँ, पावर आ गई, तो ये आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो कुछ जेन्युइन बातें हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। यदि आपके CPU में ग्राफिक कार्ड लगा होता है तब जो LCD वाली VGA केबल होती है वो यहाँ पे नहीं लगती, ध्यान रखना। यदि ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो वो यहाँ पे आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक CPU और है, उस पे लेके चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ये देखिए, ये मेरी LCD से वायर आया हुआ है और आप देख रहे होंगे ये वायर घुमा फिरा के कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए नीचे हो रहा है ना, यहाँ पे इस वाले पोर्ट पे नहीं हो रहा बल्कि यहाँ हो रहा है। ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए ये यहाँ पे LCD वाली कनेक्ट होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यदि आपके नहीं लगा हुआ है तब आप यहाँ पे लगा सकते हो, जब ग्राफिक कार्ड नए हो तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ है वीडियो शेयर करें, जिसकी वजह से आपके दोस्त भी जान सके कि डेस्कटॉप को घर पे है वो कैसे असेंबल करें।